बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने स्वारघाट में एक चाय की दुकान से 29 बैग सरकारी सीमेंट बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने एएसआई नरेंद्र कुमार की अगुवाई में गुप्त जानकारी के आधार पर कृष्णपाल पुत्र रणबीर सिंह की चाय की दुकान पर दबिश दी, जहां से पुलिस की एसआईयू टीम ने एक साथ 29 बैग सरकारी सीमेंट बरामद किया। इस सीमेंट को छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस टीम में एएसआई नरेंद्र के अलावा राजेश कुमार, मनीष कुमार व राकेश कुमार पुलिस कर्मचारी शामिल थे। उधर डीएसपी मुख्यालय राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। स्वारघाट से न्यूज 24 हिमाचल के लिए मनदीप राणा की रिपोर्ट।